अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज आपके साथ ये हमारे पड़ोसी की यहाँ पर शादी थी, तो हमने बोला था आपके साथ हम वीडियो शेयर करेंगे। तो ये उसी की सजावट है, आपने ये देखा भी होगा, ये शादी रमज़ान में हुई थी। तो ये हमारे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा सजावट डेकोरेशन। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी शादी हुई थी, हम आपको क्या बताएं। और उसी वाले हॉल में हुई थी जो हमने पहले आपके साथ वीडियो शेयर किया है। तो हमारे पड़ोस में ही आप देख सकते हो, हमारा दरवाज़ा और उनका दरवाज़ा बाजू बाजू में है। हमारे पड़ोसी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हम आपको क्या बताएं। बहुत नसीबों से लेना होता है ऐसे पड़ोसी, और बहुत बहुत मेरे पड़ोसी तो सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बाजू वाले हमारे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, बहुत बोले तो बहुत, हम आपको क्या बताएं, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ये बाहर का नज़ारा है हमारे बिल्डिंग के नीचे का, हम 18 फ्लोर पर रहते हैं, तो नीचे रात के टाइम में बहुत अच्छा लगता है, तो वो हम आपको दिखा रहे थे। और ये देख सकते हो आप, ये है दूल्हा दुल्हन, बहुत अच्छे है। दूल्हे की आदत, दुल्हन की आदत भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत मिलनसार है, इतनी मिठास है इनकी बातों में, और बहुत इनकी फैमिली इतनी प्यार मोहब्बत से रहती है ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा, इतनी प्यार मोहब्बत तो हमने देखा ही नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा सभी में होती है, लेकिन इन लोग की अलग ही मोहब्बत है। तो अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत हर रिश्ते में रखे जैसे इन लोग की है। हम तो अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जितने भी फैमिली है जिनमें भी मतलब प्यार मोहब्बत है, वैसी प्यार मोहब्बत हर किसी के फैमिली में होना चाहिए। हमारे फैमिली में भी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन लोग की तो पूछो ही मत, इतनी इन लोग की सबसे हट की मोहब्बत है। तो अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत हर रिश्ते में और हर फैमिली में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देख लीजिए, वही वाला हॉल है, और ये हॉल तो कितना अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ पर सब जितने बाहर जाएंगे, बाहर आने के लिए मन नहीं करता है और दिल भी नहीं भरता है, माशाल्लाह माशाल्लाह डेकोरेशन इतना अच्छा है, और बहुत ही सिस्टमेटिक हर एक चीज़ है कि हम आपको क्या बताएं। बहुत ज़्यादा गांव में शादी होती है, लेकिन इतना सब अच्छा नहीं लगता है, इतना मतलब इन्जॉय नहीं करते हैं लोग। बहुत अच्छे से होती है शादी, लेकिन इतना मज़ा नहीं आता जितना मुंबई में आता है। हम तो हर शादी मुंबई की इन्जॉय करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये दूल्हा दुल्हन का टेबल है, आप लोग देख सकते हो, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। हमको तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ऐसा, हम यहाँ मुंबई में किधर भी जाते हैं, अल्लाह पाक का तो इतना शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पर जाते हैं। और बहुत मेरे हस्बैंड की फ्रेंड लोग भी है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का बर्थडे था मॉल में, तब तो हमारा चैनल नहीं था, अगर चैनल होता तो ज़रूर से शूट करके आपके साथ शेयर करते। हम तो नहीं गए थे, बच्चे और हस्बैंड गए थे, हम आपको क्या बताएं, इतना अच्छा लग रहा था। और वो वीडियो भी अभी नहीं है, मोबाइल में डिलीट हो चुका है, अगर रहता तो हम आपके साथ ज़रूर से शेयर करते। पूरा मॉल ही उन्होंने बुक किया था, और बच्चे लोग ने इतना एंजॉय किया वहाँ पर, सब कुछ था, ट्रेन थी खेलने के लिए, बच्चे लोग के लिए गाड़ी वगैरह सब कुछ था, बहुत अच्छा था, हम आपको क्या बताएं। लेकिन तब चैनल नहीं था और इतना कुछ शूट का बिल्कुल भी शौक नहीं था, मतलब जैसा अभी चैनल है तो ये शूट कर लो वो शूट कर लो, चलो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेंगे, ऐसा पहले नहीं था। अगर होता तो आप लोग देखते वो वीडियो, तो इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आता, इतना अच्छा था, बच्चे लोग ने इतना एंजॉय किया। हम तो नहीं गए थे, बच्चे लोग बोले अम्मी आप आते तो आपको बहुत अच्छा लगता, हमने भी बहुत मिस किया बाद में कि हाँ जाते तो अच्छा होता, इतना अच्छा लग रहा था। तो इतने अच्छे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड लोग हैं, हम आपको क्या बताएं, फैमिली की बिल्कुल भी याद नहीं आती है, इतनी इज्जत और इतनी प्यार देते हैं उन लोग कि हम आपको क्या बताएं। और ये हस्बैंड है ना मुंबई में ही रहते ना, मतलब पले बड़े बचपन से यहीं पर, तो उनके पड़ोसी उनके फ्रेंड लोग बहुत अच्छे, हमने आपको वो वाली वीडियो में भी कहा था, बहुत अच्छे नसीबों से लेना होता है ऐसे पड़ोसी ऐसे फ्रेंड लोग। तो मेरे हस्बैंड के नसीब बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक किसी की नज़र ना लगे, और ऐसे नसीब और ऐसे फ्रेंड लोग अल्लाह पाक हर किसी को दे।
आमीन सुमा आमीन। तो बहुत अच्छे हैं, हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो कितना अच्छा लगता है ना मुंबई की शादी में, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हमारे गांव की शादी तो बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है गांव में भी शादी, लेकिन जितना यहाँ पर एंजॉय करते हैं उतना वहाँ नहीं कर पाते, बच्चे भी नहीं कर पाते एंजॉय इतना, बच्चे लोग को भी नहीं मज़ा आता है। अच्छा लगता है क्योंकि हमारे गांव की शादी भी हम आपके साथ ज़रूर से शेयर करेंगे, किसी की शादी में जाएंगे तो। लेकिन गांव जाना होता ही नहीं है, छुट्टी में हम जाते हैं और वह जल्द वापस आ जाते हैं। अब्बा के वहाँ पर बेकरी भी है, सब बेकरी से रिलेटेड जो भी होता है भाई अब्बा अम्मी वो लोग बनाते हैं। हमने कुछ वीडियो आपके साथ शेयर किए भी है, और कभी जाएंगे गांव इंशाल्लाह तो और भी वीडियो आपके साथ शेयर होते रहेंगे। ये हॉल इतना अच्छा है, आप लोग इन्जॉय कीजिए और कमेंट करके ज़रूर से बताना आप लोगों को ये हॉल कैसा लगा, ये शादी कैसी लगी, हमारे पड़ोसी कैसे लगे, ज़रूर से बताना। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और अल्लाह पाक इनकी जो फैमिली में प्यार मोहब्बत है ऐसी हमेशा रखे और किसी की नज़र ना लगे, और हर रिश्ते में ऐसी प्यार मोहब्बत रखे अल्लाह पाक। हम तो यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक ऐसी प्यार मोहब्बत रखे। प्यार से तो हर एक चीज़ अच्छी होती है ना, जब रिश्तों में मोहब्बत और प्यार होती है तो उससे बढ़ के और क्या चाहिए, इससे बड़ी और दौलत क्या चाहिए। इतनी बड़ी दौलत हमें मिल जाती है जब रिश्तों में मोहब्बत और प्यार होता है। तो दूसरे का जब हम देखते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है ना, हम आपको क्या बताएं। हम लोग के फैमिली में भी है इतना प्यार मोहब्बत, लेकिन इन लोग का हमने कहा आपसे कि इन लोग का हटके है तो ऐसा रहना चाहिए। बहुत सारे फैमिली में तो है माशाल्लाह, बहुत सारे लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और यहाँ पर हम जा रहे थे घर, तो ये बाहर गार्डन है, आप लोगों ने पहले वाली वीडियो में भी देखा होगा, यहाँ पर बच्चे ने इतना फ़ोटोशूट किया है, बहुत 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 ज़्यादा। जब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, रिश्तों में मोहब्बत होती है, मिलजुल कर रहते हैं, तो जो हमारे बड़े हैं तो कितनी अंदर से दुआएं देते हैं, कितनी दुआएं उनके दिल से निकलती है। क्या जब सब बहू लोग इतने अच्छे से प्यार मोहब्बत से बेटी लोग रहते हैं तो उनके अंदर से कितनी दुआएं निकलती हमारे लिए, तो दुआएं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं कितनी दुआएं लेते हैं, इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, इतने मिलजुल कर रहते हैं, तो अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत ऐसे मिलजुल के रहना ऐसा हर हर फैमिली में रहे अल्लाह पाक। दुनिया में जितने भी फैमिलीज़ हैं तो अल्लाह पाक सभी में ऐसी मोहब्बत और ऐसे रिश्ते हर घर में दे अल्लाह पाक। आमीन सुमा आमीन। हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सभी के यहाँ पर ऐसी मोहब्बत रखे, दुनिया में जहाँ जहाँ मोहब्बत वाली फैमिली है तो अल्लाह पाक ऐसी मोहब्बत हर दुनिया के हर फैमिली में और हर रिश्ते में रहे। आप लोग भी आमीन बोला करें, हम भी आमीन बोलते हैं, आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, आप लोग भी हमारे लिए दुआ करना, और ये कोरोना बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए अल्लाह पाक, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, जिसकी जो जायज़ तमन्ना जायज़ दुआ है अल्लाह पाक उसे कबूल करे। आमीन सुमा आमीन। हर अरमान हर दुआ हर चाहत उनकी पूरी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बाहर जाने का रास्ता है, मेरी बेटी जाते जाते भी इतना फ़ोटो शूट कर रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था उसको। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक प्यार से तो आप लोगों का बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए फ्रेंड, तो आपको अच्छे अच्छे वीडियो अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने मिलेंगे। तो मिलते हैं हम बहुत जल्द इंशाल्लाह, तब तक अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें अपने दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।